अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दिन के 11 बजे। आज मैं जब सुबह उठी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे सर में इतना शदीद दर्द था ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर ये है कि मेडिसिन वगैरह ली है, डॉक्टर को दिखाया और फिर अब थोड़ा सा बेहतर था। तो मैं सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतने दिन से स्किप हो रहे हैं ब्लॉग। और अब जो है ना, मेरा दिल है कि मैं थोड़ी सी बेहतर हो रही हूँ दिन ब दिन, तो मैं रोज़ ब्लॉग्स बनाया करूँ। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये मेरी टिड्डी जो है ना, ये यहाँ बैठ के खड़ी होकर दूध पी रही है। और इसने ये जो यहाँ पे वॉल ग्रेस लगी हुई है ना, इसका जो हाल किया है ना, अल्लाह तोबा तोबा, उतार उतार के। अब मैं उठ के आपको कैसे दिखाऊं जाके पास। और छोटी जो काकी है उसको हमने लटाया था मामा के पास थोड़ी देर बाहर, और अभी मैं इसको सुलाने के लिए रूम में लेके आई थी क्योंकि ये कह रही थी कि मामा आप अबाया पहनो, और अब्बू को कह रही थी कि आप जो है ना बाइक स्टार्ट करो, हम ना बाहर चलेंगे। ये ना ऐसी सी हो रही है, चुड़ैल सी। तो अब क्या करना है, अब इसको पहले टिड्डी को सुलाएंगे। छया छया करनी नालू, कैसे बोलते हैं एक कुड़ी, एक कुड़ी बोल के दिखाओ। इसने ना एक लफ्ज़ सीखा है मामा से के ना, ये बोलती है एक कुड़ी मुझे बार बार, एक कुड़ी बोल के दिखाओ। बोला फिर बोलो, टिड्डी नीचे करो ना, फिर बोलो टिड्डी। एक हुई सबको, ये हुई अब्बू को भी, एक हुई सारों को, एक हुई। तो अब इसको सुलाते हैं और उसके बाद देखते हैं। सो यहाँ पे टाइम हो गया था दोपहर का, और आज जुम्मा है जिसकी वजह से ना मस्जिदों में खुतबे वगैरह चल रहे हैं। और मैं ना बस नवाल मेरी सो रही थी, छोटी भी सो रही थी, और स्मिया कहीं गई हुई थी, वो भी वापस आके सो गई थी। मैं थोड़ी देर बाहर आई थी और बाहर इतनी तेज़ कोई धूप हो रही है, लेकिन ये बादल भी इतने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी ना मामा ने खाना शाना बनाया, अब खाना शाना खाते हैं दिन का और फिर थोड़ी देर लेटते हैं क्योंकि नींद आ रही है। सर दर्द अभी भी हो रहा है लेकिन ना नींद आ रही है, तो अगर नवाल ने सोने दिया उठने के बाद तो फिर सोइए। और खाना, यहाँ पे खाना वगैरह हमने खा लिया था। और इनको देखें, ये सो कैसे रही हैं, ये दोनों गधे घोड़े बेच के। और अभी जब मेरे सोने का टाइम होगा ना, कि मैं बोलूँगी मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी मेरी आंखें बंद हो रही हैं, और इन्होंने उठ जाना है और फिर करेंगी जलील। आज मम्मा ने बनाए थे ये जोले, और क्योंकि हमारे घर में नहीं बनते मीन के, मेरे ससुराल में आंटी ये बनाती हैं दूध में, और यहाँ पे ये ना इस तरह बनते हैं। आज मैंने मामा को कहा था ये बनाए, फिर उन्होंने बनाए थे, अब ये खाते हैं और फिर थोड़ी देर सोते हैं अगर इन दोनों जिननियों ने उठ के मुझे सोने दिया तो। फिर मिलते हैं शाम। चलो ना, चलो है? आज इतने दिन हो गए ना बाहर निकल के, मैंने ना देखा भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अब नवाल जो है ना बाहर आई थी इसको लेने, मैं आ गई थी बाहर से कि आ जाओ अंदर चले, ये अब्बू बाहर दुकान पे गए हुए हैं, तो इस वजह से ना ये बाहर आ गई थी। और बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं, और इस टाइम इतना कोई प्यारा प्यारा मीठा मीठा सा मौसम हो रहा है ना, ठंड ठंड सी हल्की हल्की हो रही है कि इतना प्यारा लग रहा है। और पटवारी में ब्लॉग बना बना के ना मुझे इतनी आदत हो गई, आज मैंने कहा था मैं उर्दू में ब्लॉग बनाऊंगी और बीच में क्लिप बना लेती हूँ, पटवारी का बन जाता है, फिर मैं उसको बंद करके फिर दोबारा से उर्दू का बनाती हूँ। ये वाले हालात हो गए मेरे। और नवाल को फिर बाहर छोड़े हैं, इसका पजामा धुलावा था वो उतारा थी वहाँ से। आ जाओ इधर, अब्बू आ रहे हैं दुकान पे, गए इधर आओ। ये अब्बू की चमची जो है ना अब जा रही है, इसको बुलाती हूँ।
वो अब्बू भी आ गए हैं और अब ये भाग के अंदर आ रही है। अब वो आए ऐसे भागी है ना, इसको पता था मुझे डांट पड़ेगी। अब चलते हैं अंदर। मैंने आई थिंक कोई जिंगर चिकन को ना वो मसाला वगैरह लगा के अपनी तरह से ना जिंगर वो बनाने की कोशिश तो की है, लग भी ठीक रही है, अच्छी लग रही है। अभी खाएंगे तो पता चलेगा, अभी बहुत गर्म है। मैं वो आई थी किचन में, बाहर कोई मेहमान आ गए थे और अब अंदर जाती हूँ ये ले के और अपनी कोल्ड ड्रिंक ले के अंदर जाती हूँ, आराम से बैठ के खाती है और फिर देखते हैं क्या करें। और ये बाजी जो है ना ये यहाँ पे हमेशा की तरह तंग करने के लिए खड़ी है, अंदर चलते हैं। ये जो है ना मैं कह रही थी, मैं इस मियाँ ने ना अपने 3 सूट मंगवाए थे ऑनलाइन आई थिंक बिन सईद वालों से बिन सईद वालों का फैब्रिक है, मुझे ये नहीं पता इसने कहाँ से मंगवाए थे, बट मैं कह रही थी कि शायद ऑनलाइन ना अच्छा कपड़ा नहीं आता ये बोले कि इतना प्यारा कपड़ा है और इतना प्यारे कलर हैं, 3 कलर हैं, अभी इसका एक स्टिच हो गया है और सिलाई करने वाले ने भी ना इतना प्यारा सिलाई किया है ना मैं बता नहीं सकती। और ये आई थिंक उसको 2500 से कम का सूट है, बड़ा है, 2450 का एक सूट उसको मिला है 3 पीस। दुपट्टा शलवार और कमीज जो है वो एक जैसी है और दुपट्टा जो है ना इसका और डिज़ाइन का, लेकिन बहुत बहुत प्यारा सूट है इसका और स्टिच भी इतना प्यारा हो गया है ना ये तक चेक करें। पहले मैंने सोचा था 3 सूट आएंगे इकट्ठे फिर मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी 2 आने में लेट थे और ये आ गया था पहले, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और सो गाइस यहाँ पे जो है ना वो टाइम हो गए थे रात के तकरीबन 10:15 हो रहे थे, नहीं अभी 10:15 नहीं हुए, अभी 10 होने में 7-8 मिनट बाकी है। तो मैं हो गई थी फारिग, मतलब कि नवाल को सुलाया और उसके बाद छोटी काकी जो है वो भी जाग रही है, उसको मैंने ना खुद ही जगा के रखा हुआ है अभी कि ना ये जागती रहे, फिर ये रात को 2 बजे उठ जाती है और बहुत ज़्यादा तंग करती है, फिर नींद ही नहीं पूरी होती जिसकी वजह से सर में दर्द पता नहीं क्या ना क्या। तो अब ये जाग रही है और पता नहीं इसको जगा के रखती हूँ जब तक मैं नहीं सोती, इसको अपने साथ ही सुलाऊंगी और क्या करना है। और अभी हमने दवाई शाही लेनी है अपनी, उसके बाद दूध वगैरह पीना है और फिर सो लेना है। तो अभी कुछ भी नहीं, मैंने सोचा कि अपना व्लॉग जो है ना वो एंड करते हैं और फिर कल इंशाल्लाह ताला अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ एक व्लॉग बनाया करूँ अपना, अपनी रूटीन के हिसाब से इसी तरह रूटीन सेट होगी, क्योंकि अभी मामा की तरफ हूँ तो इतना वो नहीं समझ आ रही, फिर अल्लाह करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, 40 दिन पूरे हों फिर जो है ना अपने वो सेटिंग पे आए और फिर जो है लो जी का हुआ है, बस इसके ये काम है। तो आजकल मैं बहुत खुश इसलिए भी हूँ कि अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी और फिर अपने सारे जो भी मेरे वेस्टर्न कपड़े हैं और जो भी है ना मैं नहीं पहन सकती थी वो अब मैं पहन के सारे अपनी वीडियोस बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, इतनी मुझे वो हो रही है ना खुशी। और आजकल का मौसम इतना गंदा हुआ है कि सावन का के ना इसमें कीड़े मकोड़े बहुत अजीब सा हो रहा है मौसम, तो अब क्या करें, लाइट भी नहीं जला सकती, लाइट मैंने जलाई थी अपने वीडियो के लिए और जो ना कीड़ियाँ सी आने लगी हैं। और इसको याद आ गया कि रोना मैं ना रो लूँ थोड़ा, क्या हुआ है दूध पीना, अब इसको दूध भी देते हैं साथ साथ और जो है ना मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ब्लॉग अगर देख लेते हैं तो लाइक भी कर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने देखा है ब्लॉग। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी।
और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।